जब उनके पास जाओगे उनसे पूछोगे दर्द कैसा हो रहा है, हाउ यू आर फीलिंग, राइट? कुछ लोग होते हैं जो नहीं बता पाते, इट्स रियली अनोइंग बिकॉज इट्स रियली रियली हार्ड टू फाइंड आउट कि वेदर दे इम्प्रूविंग और नॉट, राइट? सो देर आर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक योर लाइफ ईजियर, के देर आर इंस्ट्रूमेंट्स इन विच दे कैन विच दे कैन हेल्प देम एक्सप्रेस हाउ देर फीलिंग, so you as a caregiver can find out ke chalo whether your treatment is working or whether you need to change it. So there are some kya kehte hain, so there are some techniques, theek hai na, kyunki obviously at the end of the day the pain is gonna remain subjective, right? Pain uske liye zyada hai, pain uske liye kam hai, jaisa bhi tolerance wala scene hai, the tolerance was individual to individual, subjective tha. So pain in itself is always gonna be subjective. But there's something that you can still do to measure your pain. Sometimes you can use self-report questionnaires. ठीक है ना, अभी हम इसकी बात करेंगे. Sometimes, interestingly, you can use observations as well to measure a person's pain. ठीक है, उसके ऊपर भी हम आएंगे. Apart from that, you know that इसके अलावा medical instruments भी इस्तेमाल होते हैं to measure a person's pain. For example, अगर दर्द हो रहा होगा तो the brain को जो का जो एरिया है जहां पे दर्द महसूस होगा, दैट्स गोना लाइट अप ऑन द स्क्रीन, राइट? तो ब्रेन एक्टिविटी वहां पे लाइट अप होगी. सो देयर आर सम वेज, लेकिन बट यू आल्सो हैव टू रिमेंबर, जब हम दर्द मेजर करते हैं किसी का, राइट, ये अपना कर रही हो फॉर एग्जांपल, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. दर्द कहां पे हो रहा है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है. दर्द की इंटेंसिटी कितनी, एज इन कितना पेन हो रहा है और कहां पे हो रहा है, लोकेशन इंटेंसिटी. एंड दर्द किस तरीके का हो रहा है, एज इन के यू नो व्हाट, तरह के छुरी की तरह तेज है, या यू नो व्हाट गहराई वाला पेन है, या सरफेस लेवल पेन है, या यू नो ऐसा दर्द है. फॉर एग्जांपल, हैव यू माइट हैव फेल्ट दोस पेन जहाँ पे हार्ट बीट की तरह वो महसूस हो रहा है, खास तौर पे दांतों का दर्द, यू नो लाइक वो हार्ट बीट की तरह महसूस होता है. सो दैट्स थ्रॉबिंग पेन. सो ऑल्सो देयर गोना आस्क यू पेन की क्वालिटी क्या है. So three things you have to remember when you talk about pain. So self-reports can there, right? Apart from questionnaires, there are some other methods to measure pain, right? These are for your general information, right? But these are not part of your syllabus. तो कभी कभार हम ये दिखा सकते हैं बच्चों को या बड़ों को, भाई पेन बताओ इसमें से. कभी कभार हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से दे सकते हैं कि भाई इसमें से पेन बताओ. ठीक है, यू आर गोना शो देम दिस पिक्चर एंड देयर गोना पॉइंट आउट कि पेन कितना भी इस ये वाला भी. बट इसके अंदर मसला क्या होता है, किसका ये मसला होता है कि इट टेल्स यू ओनली द इंटेंसिटी ऑफ द पेन, नॉट द क्वालिटी ऑफ द पेन एंड नॉट द लोकेशन ऑफ द पेन, राइट? सो समटाइम पीपल कैन हैव अ पेन डायरी. पेन डायरी क्या होता है कि भाई दर्द में कब महसूस हुआ, टाइम कितना दर्द महसूस हुआ, फाइव कहाँ पे दर्द महसूस हुआ, लोअर बैक, कर क्या रहे थे, बिस्तर पे लेट होता, दवाई कौन सी ली, मैंने ये दवाई ली, उसके बाद क्या हुआ, पेन की रेटिंग फिर बाद में क्या हो गया, वन हो गई. ठीक है, सो सम पीपल कैन मेंटेन अ पेन डायरी, बट अगेन दीज आर ऑल क्या कहते हैं, अनऑफिशियल, या दीज आर नॉट प्रॉपर वेज टू मेजर पेन, और बेसिकली दे आर मिसिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ पेन. सो मेक श्योर के यू नो व्हाट, और सारे की चीजें पेन में इंक्लूड क्या हो, वेयर कैन डिस्कस दैट. सो फर्स्ट सेल्फ रिपोर्ट इन योर क्या कहते हैं सिलेबस इज क्लिनिकल इंटरव्यूज. क्लिनिकल इंटरव्यूज क्या होता है, क्योंकि ऐसा सेल्फ रिपोर्ट क्यों, क्योंकि पेशेंट जो है अपने पेन के बारे में खुद बता रहा है. सो सेल्फ रिपोर्ट, सो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनर्स वन टाइप इज यू कैन यूज इंटरव्यूज. तो क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या होता है, लार्जली ये एक साइकोलॉजिस्ट एंड पेशेंट के बीच में होता है, राइट? ये एक डॉक्टर ये एक पेशेंट के बीच में हो रहा होता है. द बेसिक आइडिया इज यू गो टू अ पर्सन, यू टेल देम कि मेरा ये पेन हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इतने अरसे से हो रहा है, पूरी लाइफ हिस्ट्री बताते हो, एंड दे कम अप विद अ डायग्नोसिस एंड अ ट्रीटमेंट प्लान. ठीक है, द बेसिक आइडिया इज कम विद अ डायग्नोसिस एंड अ ट्रीटमेंट प्लान. सो होता के हाउ दे डू दिस इज दे आस्क क्वेश्चंस अपॉन क्वेश्चंस अपॉन क्वेश्चंस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, तुमने ये चीज बोली तो देर गन आज के, ठीक है, इसके पीछे और वजह बताओ. सो दीज आर लार्जली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, राइट?
because these questions may depend on your own physical condition. Some questions are structured in the sense कि obviously तुम्हारा नाम पूछेंगे, दर्द कहाँ पे हो रहा है, दर्द कितना हो रहा है, दर्द कितने अरसे से हो रहा है, कुछ दवाई ली थी, अभी क्या कर रहे हो, वो तो सबसे पूछते हैं. तो कुछ सवाल सबसे पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल तुम्हारे पर्सनलाइज होंगे, राइट? सो आई एम नॉट बेसिकली, हाँ, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू कह सकते हैं इसको. दीज आर गोना बी सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज इन दिस रिगार्ड. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो, कि भाई समटाइम्स यू कैन कंडक्ट अ इंटरव्यू टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट पेन. क्लिनिकल इंटरव्यूज, बेसिक आइडिया इज टू कम अप विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. द वे इट इज कंडक्टेड इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फॉर्मेट, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आर स्ट्रक्चर्ड, गोना बी सेम, गोना बी स्टैंडर्ड फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. कुछ क्वेश्चंस आर नॉट, कुछ क्वेश्चंस आर गोना बी स्टैंडर्डाइज या पर्सनलाइज डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर. सो वट कैन वी से अबाउट क्लिनिकल इंटरव्यूज? वेल, इट इज होलिस्टिकल इन द सेंस कि द पर्सन विल आस्क यू मेनी मेनी क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पूछेगा, यू नो वो, तुम नॉर्मल पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे, बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है. देर गन आस्क यू अबाउट योर स्कूल लाइफ, योर सोशल लाइफ, योर मेडिकल लाइफ, योर रिलेशनशिप. सो देर गन आस्क यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. सो इट्स गन बी होलिस्टिक इंटरव्यू. इज इट एप्लीकेबल? यस, अभी तक एप्लीकेबल है, राइट? ज्यादातर एप्लीकेबल होता भी है. सो वेन यू गो टू अ डॉक्टर, वो तुम्हारा क्लिनिकल इंटरव्यू ले भी रहे होते हैं. सो इट इज एप्लीकेबल. इट्स द मोस्ट कॉमन वे टू फाइंड आउट द क्या कहते हैं, पेन. Or to major pain. Is this valid? Could be not. ठीक है. For example, the person who is going to talk about their pain, like the patient, may be not good with expressing things in their words. Yeah, maybe exaggerating or maybe lying to the psychologist. Yeah, doctor. So validity could be compromised. You can demand characteristics. At the end of the day, self-report के अंदर आ सकता है. This is another way to measure pain, right? But again, you don't have to remember this, right? All यहाँ पे होता क्या है कि बंदे से बोलते हैं यार, जीरो से लेकर 10 तक लाइन है, and these are major. जीरो से लेकर 100 तक एक लाइन है, 100 millimeter. So every line that you make, one zero से लेके 100 तक, is gonna be a millimeter, right? So basically, so you're supposed to indicate your pain zero से लेके 100 तक. For example, if your pain is 89, तो तुम 89 मिलीमीटर लाइन पे अपना मार्क दे दोगे, मेरा इतना पेन है. व्हाट दिस डज इज काइंड ऑफ स्पेसिफाइज योर लेवल ऑफ पेन, के तुम्हारा पहले दर्द एग्जैक्टली पहले कितना था, अब एग्जैक्टली कितना है. तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मेजरमेंट प्रिसाइज होती है, ठीक है ना? बट इन द एंड यू डोंट नो मच अबाउट द पेन, ऑल यू हैव नो इज इंटेंसिटी. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चनर दैट वी गोना स्टडी इन दिस सेक्शन, द मैकगिल पेन क्वेश्चनर, राइट? एमपीक्यू. So, MPQ के बहुत सारे हिस्से हैं, राइट? सो लेट्स सपोज के यू आर गिवन एन MPQ, मैकगिल पेन क्वेश्चनर. सो आई एम गोना गिव यू दीज, इसके दो है मेरे पास, दो वर्जन हैं. कुछ ज्यादा पढ़ने में आसान है, कुछ बहुत ही लंबा है, राइट? बट दीज आर द सेम क्वेश्चंस, एसेंशियली द सेम क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहले एमपीक्यू के अंदर करते क्या, यू सी दिस पर्सन ड्राइंग जो है, राइट? इस डायग्राम के ऊपर यू आर गोना स्पेसिफाई के दर्द कहाँ पे महसूस होता है. तो यू आर गोना कलर द बॉडी पार्ट, राइट? हाथ में हो रहा होगा तो यू आर गोना कलर द बॉडी पार्ट, ये जितना पोर्शन ऑफ द हैंड जहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है. So you're supposed to color your pain point on the body, exactly pain count. So number one, you tell the location. So your location bata do. Location batane ke baad, theek hai na? Uske baad karna kya hota hai? You have to tell ki jo dard hai, internal, external. Internal ka matlab ki gehrai mein dard hai. External ka matlab hai surface level ka dard hai, right? So pain ko location specify karne ke baad, you're going to tell ki internal, external. ठीक है. जब ये बता दोगे तो ये भी टिक करोगे कि जो जहाँ पे भी पेन है, इंटरनल या एक्सटर्नल वाला, कौन सा वाला है, हमेशा रहता है या पीरियोडिक है, ये कभी कभार आता है, राइट? सो यू गोना पिन पॉइंट दैट. बहरहाल उसके बाद तुम लोग करते क्या, व्हेन यू स्पेसिफाई द लोकेशन एंड द इंटरनल एक्सटर्नल वाला सीन,
उसके बाद यू गो टू द क्वेश्चनर पार्ट. अभी तक तो क्वेश्चनर नहीं है, दिस इज द क्वेश्चनर पार्ट, ये वाला. ये 20 तक लिखा है ना, यहाँ तक. सो बेसिकली यहाँ पे 20 डब्बे हैं या 20 डिविजन्स है कह सकते हैं. ये डिविजन नंबर 1 है, ये डिविजन नंबर 2 है एंड डिविजन नंबर 3 है. सो दे 20 डिविजन्स, राइट? सो वट एवर द टाइप ऑफ पेन यू फील, हर डिविजन के अंदर तुम्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन टिक करना है. फॉर एग्जाम्पल, 1 के अंदर यू कैन चूज 1 फ्रॉम फ्लिकरिंग, क्विवलिंग, पर्सिंग, थ्रॉबिंग, बीटिंग, पाउंडिंग, सारे टिक नहीं कर सकते. 2 के अंदर जंपिंग, फ्लैशिंग, शूटिंग में से भी एक टिक करोगे. सो हर डब्बे में से या हर डिविजन में से यू आर गोना सेलेक्ट ओनली वन. सो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे, क्योंकि 20 डिविजन से, तुम्हारे यहाँ पे 20 टिक्स आएंगे, ये 20 टिक्स होंगे. इसका साफ सुथरा वर्जन ये है, सेम थिंग. सो यू कैन चूज वन फ्रॉम दीज, देन यू कैन चूज वन फ्रॉम दीज. अब होता क्या, इफ यू नोटिस, डिविजन नंबर 1 के अंदर सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन है, एज इन फॉर्म के अंदर सबसे नीचे वाला इज फाउंडिंग, राइट? जितना ऑप्शन उस डिवीजन के अंदर नीचे होगा ना, उतनी इसकी स्कोर हाई होगी. पाउंडिंग का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 6. जो 2 है, राइट, उसके अंदर सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो शूटिंग है, क्योंकि शूटिंग के बाद थर्ड डिवीजन शुरू होती है. शूटिंग का स्कोर सबसे बड़ा है 3. लैंसिनेटिंग का सबसे बड़ा ऑप्शन है 5. ठीक है, नॉट एवरी सेक्शन हैज सेम अमाउंट ऑफ ऑप्शंस. किसी के अंदर 6 ऑप्शन है, किसी के 5 है, किसी के 3 है, किसी के 2 है, किसी के 1 है. डजेंट मैटर, ऑल यू हैव टू नो इज कि भाई हम यहाँ से एक ही ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है? उसका कोई ना कोई स्कोर होगा. जितना ऑप्शन उस डिविजन के अंदर नीचे होगा ना, उतना खतरनाक उसका स्कोर होगा, ठीक है? उतना हाईएस्ट उसका स्कोर होगा. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू डू इज, हर बंदा हर डिविजन में से एक ही ऑप्शन टिक करेगा, देन यू गॉट टोटल द स्कोर ऑफ दैट ऑप्शन. पूरा टोटल निकालोगे एंड जो टोटल आएगा, ठीक है, दैट इज गोना बी नोन एज द पेन स्कोर. हायर द स्कोर, हायर द पेन. सही है. सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द पेन स्कोर. इस पेन स्कोर का जो प्रॉपर नाम है, दैट्स द PRI, ठीक है? PRI का नाम क्या था, या पेन रेटिंग इंडेक्स. जब पेन रेटिंग इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा, नाउ यू कम आउट टू थर्ड पार्ट. सॉरी, हाँ, ये थर्ड पार्ट जो आई बाई मिस्टेक डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट अगेन यू गोना टॉक अबाउट द ये वाला. कि भाई पेन इस तरह होता है, या पेन इस तरह होता है, या पेन इस तरह होता है, ठीक है? देन कुछ चीजें विच आर गन आस्क यू के भाई व्हाट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस योर पेन, ठीक है ना? दैट डजंट मैटर. उसके बाद क्या होता है, यू आर गन, देर गन आस्क यू अभी दर्द कितना है, सबसे दर्द सबसे खतरनाक दर्द कौन सा महसूस किया, एंड सबसे कम दर्द कौन सा महसूस किया है. सो अभी दर्द कौन सा, जिंदगी में सबसे खतरनाक दर्द कौन सा वाला आया था, एंड जिंदगी में सबसे कम वाला दर्द कौन सा आया था, राइट? देयर गोना आस्क यू दिस. सही है. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना? इसके अंदर थोड़े 4 सेक्शंस थे. लोकेशन स्पेसिफाई करो, इंटरनल एक्सटर्नल हैकरिंग, देन 20 डिविजन होंगी. हर डिवीजन के अंदर आपने एक ऑप्शन टिक करना है. हर ऑप्शन का कोई ना कोई क्वांटिटेटिव स्कोर होगा. जितना ऑप्शन उस डिवीजन के अंदर नीचे, उतना उसको स्कोर हाई होगा. एट द एंड यू टोटल ऑल द स्कोर्स, यू फाइंड द PRI. व्हेन यू फाइंड द PRI, देन यू आस्क द क्या कहते हैं, टाइम वाला क्वेश्चन, के तुम्हारा दर्द टाइम के हिसाब से किस तरह होता है. हमेशा रहता है, कभी कभार आता है, या बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आता है. यस, यू कैन. सवाल ये कि भाई क्या लोगों के लिए डिफरेंट वोकैबुलरी के लिए, फॉर एग्जाम्पल, लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट मीनिंग रखती हैं. हो सकता है हर बंदा, फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए पाउंडिंग अलग है, उसके लिए पाउंडिंग अलग है. मेरे लिए प्रिकिंग अलग है, उसके लिए प्रिकिंग अलग है. तो हो सकता है कि यस, इट डिपेंड अपॉन हाउ यू थिंक द वर्ड मीन्स. सो इट इज़ गोना बी समवट, क्या कहते हैं, इनवैलिड इन एट द एंड ऑफ द डे. यू यू क्या कहते हैं, you describe the nature of pain according to the time, then fourth, आपसे सबसे आखिर में 6 सवाल पूछे जाएंगे. 6 सवाल के अंदर they are gonna ask you the nature of your pain right now, सबसे खतरनाक pain in the past,
सबसे लीस्ट पेन इन द पास्ट एंड व्हाट नॉट, राइट? सो दे आर गोना आस्क यू सिक्स क्वेश्चंस एट द एंड. टूथएक, हेडएक, स्टमक एक, ठीक है. सो दिस इज द एमपीक्यू, ठीक है ना. इसके अंदर आपने बस दिमाग के अंदर चार चीजें दिमाग बनानी है. फर्स्ट इज द लोकेशन, सेकंड इज द 20 डिविजन्स वाला, थर्ड इज द टाइम फ्रेम वाला, ठीक है ना, एंड फोर्थ इज द क्या कहते हैं ये वाला, चाहे वो हेड एक, टूट एक, स्टमक एक, अभी दर्द कैसा है, पहले कैसा था सबसे खतरनाक, एंड पहले कैसा था सबसे कम खतरनाक वाला दर्द कौन सा. सो दैट्स द एमपीक्यू, ठीक है ना. So when we discuss the MPQ, is it applicable? Yes. Can allow the patient to specify dard kahan pe, can allow the patient to specify the intensity, right? Can allow the patient to kya kehte hain, be kya kehte hain, precisely be able to tell us the kya kehte hain, worst pain they had, the least amount of pain they had. So it's very applicable in the sense it is invalid in the regard ke self report hai. Yahan pe bande galat answer de sakte hain, in the sense ki unko option samajh mein nahi aaya, या इन द सेंस को झूठ बोल लोगे, या इन द सेंस वो क्या कह रहे होंगे, एग्जैजरेट या मिनिमाइज कर रहे होंगे. सो वैलिडिटी इज कॉम्प्रोमाइज इन एट द एंड. ऑलराइट, बट इज दिस, बट क्योंकि ये हम कह सकते हैं वैलिड भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि व्हाट मेल्ज़ाक डिड वाज, मेल्ज़ाक ने क्या किया कि ही चोज ग्रेजुएट्स एंड डॉक्टर्स, राइट, एंड उनको क्या बोला कि भाई उनको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए. जब उनको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए ना, तो दे वर सपोज टू सेपरेट द वर्ड्स इन थ्री लिस्ट्स. दे वर सपोज टू क्लासिफाई द वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, इमोशन, इन टर्म्स ऑफ सेंसरी, इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएटिव पेन, ठीक है. सो बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो वोकैबुलरी ऑफ पेन है ना, फॉर एग्जांपल के ये वाले दर्द लफ्ज इधर है, ये वाले लफ्ज ऊपर वाले हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, ये वाले लफ्ज इधर हैं. सो बेसिकली हुआ क्या कि व्हेन दे वर मेकिंग द क्वेश्चनेयर, राइट, सो ये सारे लफ्ज जो इधर है ना, बहुत सारे लोगों ने इसी लफ्ज को इधर डाले थे, ठीक है. मिसाल के तौर पर समझा क्या रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सारे लफ्ज, लेट्स सपोज कोई इंसान नीचे यहाँ पे डालता इस जगह, इसका मतलब ये कि ज्यादातर लोग के या कुछ लोग के दिमाग में दीज वर्ड्स आर गोइंग टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ पेन, ठीक है. बट चूंकि ज्यादातर लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ पेन डिस्क्राइब करने के लिए ये अल्फाज चूज किए, तो बेसिकली इट्स टेलिंग यू दैट इन अवर everyone or largely or almost everyone will not have any problems to associate these words with the intensity of pain. Isi tarah people will not have a problem associating these words with the quality of pain, right? So basically people will not think these words in another terms. Log ko jo jis tarike se words present kiye ja rahe hain, जिस जगह वर्ड्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, उसी तरीके से वो लोग परसीव करेंगे. क्योंकि जब डॉक्टर्स और ग्रेजुएट्स ने इनको सॉर्ट आउट किया था, तो सारे डॉक्टर्स ने एक ही तरह लव सॉर्ट आउट किए थे, राइट. इट्स लाइक दिस, आई गिव यू बंच ऑफ कलर्स, राइट, एंड यू आर सपोज टू डिफरेंशिएट देम कि भाई हैप्पी कलर्स कौन से एंड सैड कलर्स कौन से. लेट्स सपोज कि तुम लोगों ने ना हैप्पी कलर्स के अंदर येलो डाला हुआ है, सैड कलर करने में ब्लैक डाला हुआ है, कोई ऐसा इंसान जिसने ब्लैक को हैप्पी में डाल दिया. सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये पता चलेगा कि यूनोवर जब मैं टेस्ट पॉपुलेशन के ऊपर कंडक्ट करूंगा ना, तो चांसेस है कि वो लोग भी येलो को हैप्पी कलर ही समझेंगे. देयर इज नॉट गोना बी अ सिंगल पर्सन जो येलो को सैड समझेगा, क्योंकि जब तुम लोग को मैंने दिया था सॉर्ट आउट करने के लिए, सब ने येलो को हैप्पी में डाल दिया. इट्स गोना बी द सेम थिंग कि व्हेन दे आर सॉर्टिंग द वर्ड्स, ठीक है ना, सारे लोगों ने एक ही सेक्शन के अंदर almost everyone sorted the words same, so you won't have people misinterpreting those words. So if you solve this problem, ho sakta hai ki, you know what, you will solve the problem of people not able to understand the words. So if people are able to understand the word correctly, they will be able to answer correctly, and then you will have high validity. Theek hai.
अगर नहीं समझ में आया आई कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू अगेन, अगर समझ में आया तो बता दो। Yes, it gets you quantitative data and qualitative data, both qualitative data in the sense of location of the pain. It is holistic. You can checks out many, many things of the pain, location, time-wise, intensity, worst pain, least pain. So it is holistic in regard. मैंने इसका reliability value भी डाल दिया 0.96 है, ठीक है? It has high criterion validity as well, के it can actually help you, क्या कहना है, predict the person's, क्या कहना है, pain आगे जाके. So it can actually predict a person's health आगे जाके किस तरह होगा. So it has high reliability, high criterion validity. It's very, very holistic. It's very, very applicable, right? And there are some issues with validity, but somewhat थोड़ा बहुत valid as well. मसला क्या है? It's not applicable on the kids. ये बच्चों को apply नहीं कर सकते. ये इसका मसला है. Next questionnaire you have is the observation वाला questionnaire, right? This is the second questionnaire, which is the UAB, University of Alabama in Birmingham, observation questionnaire. So basically, observation questionnaire तो होगा क्या कि ये जो questionnaire होगा ना, ये nurse के हाथ में होगा, patient के हाथ में कभी नहीं जाएगा. So it's gonna be an observation questionnaire. So let's suppose ये nurse के हाथ में, and nurse is supposed to score the patient on these 10 areas. Let's suppose you have a person in the house, ठीक है ना, and you are assigned to check whether they're getting better or not. You know that grandpa lies, दादा जो है झूठ बोलता है, तो दादा के ऊपर ये स्केल एडमिनिस्टर करके देखो, दादा को दूर से ऑब्जर्व करोगे एंड इन 10 क्राइटेरिया के ऊपर दादा को जज करोगे whether he is getting better or not. So ये 10 क्राइटेरिया यहाँ दिए हैं, right? And हर क्राइटेरिया के सामने आपके पास ऑप्शन है. वर्बल कंप्लेन दादा करते हैं कि नहीं करते? नन, कभी कभार, हमेशा करते हैं. नॉन वर्बल कंप्लेन करते हैं या नहीं करते? नन, हम कभी कभार, हमेशा करते हैं. सो इसी तरह हर क्राइटेरिया के सामने कोई ना कोई ऑप्शन है एंड इन ऑप्शन कोई ना कोई स्कोर है. तीन ऑप्शन है, 0, 0.5, 1, ठीक है. सबसे हाईएस्ट स्कोर पर क्राइटेरिया इज 1, सबसे लोएस्ट स्कोर पर क्राइटेरिया इज 0. At the end of the day, what you're supposed to do is calculate all the scores and tumhare paas pura ek score nikal ke aayega, theek hai na? Yahan pe 10 items hain to sab, and the highest score per item is going to be 1. So the maximum score you can get is 10, the minimum score you can get is 0. The higher the score, theek hai na, the higher the pain the person is feeling. For example, kis tarah pata chalega? इनका चलते हुए पॉस्चर भी डिस्टोर्टेड है, 1 आया. इनका मोबिलिटी जब चलते हैं तो यू नो वट, लंगड़ा के चलते हैं, 1 आया. इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंटली ख़राब रहती है, 1 आया. व्हेन द पर्सन वॉक्स उनको हमेशा असिस्टेंस की ज़रूरत चाहिए होता है, हमेशा, 1 आया. सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोना एबल टू फाइंड आउट कि भाई इनको कितनी मुश्किल आती है, कितनी दर्द है ज़िंदगी. सो द हायर द स्कोर द हायर द पेन. So you can use this to find the person's score. पहले कैसा था, अब कितना है. So before and after का सीन तुम कर सकते हो. इस 10 questions doesn't take a long amount of time, ठीक है ना. Easily scoreable, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ भी कि आपने किस तरह स्कोर करना है, occasional, frequent, whatever. यहाँ पे मसला क्या होता है, sometimes जो बंदे के नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं या sometimes जो बंदे का चलने का तरीका है, right? वो मेरे लिए तो नॉर्मल है, मुझे दर्द तो महसूस नहीं हो, लेकिन सम पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग मी मे कंसीडर दैट टू बी अबनॉर्मल. तो ऑब्जर्वेशन के दौरान व्हाटएवर आई एम डूइंग मे बी मिस इंटरप्रेटेड, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं अपना हाथ ऐसे सीधा कर रहा हूँ, उसको लगा कि मेरे हाथ में दर्द है, उसने स्कोर 1 कर दिया. सो दिस इज समवर इशू विद ऑब्जर्वेशन स्किल, कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ उस बंदी ने उसको दूसरे अंदाज में ले लिया एंड गलत स्कोर कर दिया. तो दैट इज वाई इज वेरी वेरी एसेंशियल कि इसके अंदर आप दो ऑब्जर्वर्स रखो. इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी इसके अंदर लाजमी हो चाहिए, राइट? हो सकता है कि द पर्सन इफ दे फाइंड आउट देयर बीइंग ऑब्जर्व, तो ऑब्वियसली जिसको ऑब्जर्व कर रही है पेशेंट, वो जानबूझ के अपने स्कोर एग्जैजरेट कर रहा होगा या मिनिमाइज कर रहा होगा.
ताकि वो जल्दी घर जा सके, डिस्चार्ज हो सके। सो यहाँ पे उसको अगर पता चल गया, मसला है। एट द एंड ऑफ द डे यू गेट अ क्वांटिटेटिव डेटा बट यू स्टिल डोंट नो द रीजन ऑफ पेन, तो तुम्हारे पास क्वालिटेटिव डेटा नहीं आता, ठीक है। ऑल यू सपोज रिमेंबर इसके अंदर के भाई हम ये एरिया चेक करते हैं एंड हर एरिया को 0 से लेके 1 तक रेट करते हैं। हायर द स्कोर हायर द पेन। हर ऑप्शन 0 से लेके 0.5 और 1 के दरमियान रेंज करता है। सो दे डिड गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है ना, अबाउट दिस कि भाई जाहिर की टांग टूट चुकी है ना, यू नो कि जाहिर की टांग वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है नहीं, यू आर सपोज टू यूज एन ऑब्जर्वेशन टू फाइंड दिस आउट। सो हाउ विल यू डू एन ऑब्जर्वेशन? सो योर क्वेश्चन इज लार्जली गना बी इंस्पायर्ड बाय द यूएवी। आई एम नॉट सेइंग कि यूएवी पूरा पूरा करो, नहीं, यू डोंट डू दिस। कुछ आइडिया यहाँ से ले सकते हो कि तुम जाहिर के बारे में क्या क्या नोट करोगे व्हेन यू वांट ऑब्जर्व हिम। तो लेट्स सपोज उसकी टांग टूटी है ना, सो यू माइट नोटिस ये वाली चीजें, विजिबल सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, मोबिलिटी, चलना फिरना, स्टैंडिंग पॉस्चर कैसा है, यू नो व्हाट, डाउन टाइम एज इन के भाई वो इनएक्टिव पीरियड उसका कितना होता है, मोर देन 60 मिनट तक हिलता नहीं है, थोड़ा बहुत हिलता है, यूज ऑफ मेडिकेशन वगैरह। सो यू कैन यूज सम इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूएबी, पर पूरा पूरा यूएबी नहीं छापना। दिस इज गना बी अ रिपीटेड मेजर डिजाइन, हालांकि यहाँ पे बंदा 1 है बट यू कैन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर। सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है जाहिर साहब, एंड जाहिर इज एन अपॉर्चुनिटी सैंपल, राइट? सैंपल इज 1, सही है। सो अगेन यू कैन टेक दिस एज अ होमवर्क, ठीक है। सो यूएबी इज इट एप्लीकेबल? यस, इज वेरी वेरी एप्लीकेबल इन द सेंस, क्योंकि तुम ऑब्जर्वेशन करो ना, यू आर गोना मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट। ये खास तौर पर कोरोना पेशेंट के लिए या एनी डिजीज जहाँ पे कॉन्टैक्ट के बेस पे कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। यू नो वट, जहाँ पे आप इन्फेक्ट हो सकते हो, तो इन्फेक्ट होने के लिए आपको दूर से लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये कोरोना के सिचुएशन के हिसाब से बहुत बेहतर है लोग को ऑब्जर्व करना, ठीक है। सर ऑब्जर्व करो, दूर से पता चल जाएगा, सो इट्स वेरी सेफ। इज दिस वैलिड एज आई सेड के बिहेवियर्स क्या कहते हैं आर नोटिसेबल? सो क्योंकि पेशेंट जो है बिहेवियर्स अगर उसको पता नहीं चले तो फेक नहीं कर सकता, इट्स मोर एंड मोर ऑब्जेक्टिव। बट एट द एंड, ठीक है ना, इट माई बी मिस इंटरप्रिटेड फ्रॉम द एंड एट द एंड ऑफ द रिसर्च साइड एज वेल। इज दिस रिडक्शनिस्ट? यस, इज ओनली कंसिडर द बिहेवियर एस्पेक्ट, डजंट इंक्लूड व्हाट द पेशेंट इज थिंकिंग, व्हाट द पेशेंट इज फीलिंग, इट ओनली कंसिडर व्हाट द पेशेंट इज डूइंग। ऑलराइट, इज दिस हाईली रिलायबल? यस, इट इज हाई रिलायबिलिटी। बट मगिल पेन क्वेश्चनर के साथ ना ये अग्री नहीं करता, कभी कभार मगिल पेन क्वेश्चनर हाई पेन लाएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है लो पेन लाएगा। अगर यहाँ पे हाई पेन आता, मगिल पेन क्वेश्चनर लो पेन लाएगा, तो ये मगिल पेन क्वेश्चनर के हिसाब से कुछ और कह रहा होता है, ये वाला कुछ और कह रहा होता है। सो द टू टेस्ट डोंट अग्री। तो इट टेल्स यू के ऑब्जर्वेशन के पेन पे जज करना और सेल्फ रिपोर्ट के बेस पे पेन जज करना बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्योंकि लोग समझते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट के थ्रू पेन ले लो एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू पेन ले लो, क्या एक ही चीज़ हो गई? यहाँ पे नहीं, सेल्फ रिपोर्ट के अंदर हाई आ सकता है, ऑब्जर्वेशन के अंदर लो आ सकता है। सो इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। सो दिस इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट? नेक्स्ट यू हैव इज द, ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है। सो यू नो द मगिल पेन क्वेश्चन, उसका बच्चों वाला वर्जन है ना, That's the pediatric pain questionnaire by Varney and Thompson. So Varney and Thompson have three separate forms. एक जो होगा जो parent and child साथ मिलके भरेंगे, एक होगा जो parent अकेला भरेगा, एक होगा जो doctor भरेगा अकेला, right? हमारे पास जो है I guess parent and child वाला है. So it's gonna be based upon the McGill pain questionnaire, but you're gonna see it's gonna be child friendly. It's still gonna major the same thing that Mugill pain questionnaire majors, ठीक है ना? And somewhat differentiate differences between the Mugill pain questionnaire and this is ये थोड़ा colorful है, right? And क्या कहते हैं? Throw about descriptions आसान है. So it's more colorful. It's throw about description is easier. So this is what it looks like, the pediatric pain questionnaire.
यू गोना एग्जैक्टली फाइंड आउट कि बच्चों के लिए क्यों है, एंड यू आल्सो गोना फाइंड आउट कि ये बड़ों के लिए भी, ये मगिल पेन क्वेश्चन से किस तरह इंस्पायर्ड भी है, राइट? व्हाट वर्ड वुड यू यूज टू डिस्क्राइब योर पेन और हर्ट, राइट? अगर यहाँ से नहीं आता, व्हाट द किड इज सपोज टू डू, ये पूरा लिस्ट है, इस लिस्ट में से लव सर्कल करेगा विच डिस्क्राइब्स देयर पेन. सो यहाँ पे बच्चों को ऑप्शन दिया हुआ है, द किड इज गोइंग टू सर्कल एज मेनी ऑप्शंस दे वांट. यहाँ पे वो सीन नहीं कि एक ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी कर सकते हैं कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शन टिक कर दिए आपने, उसमें से टॉप थ्री ऑप्शन जो आप फ्रीक्वेंटली पेन महसूस करते हो वो यहाँ पे लिखवाए. फॉर एग्जाम्पल, शार्प, स्केर्ड एंड स्टैबिंग, ठीक है? उसके बाद द किड इज सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? हाउ यू फील नाउ, नो हर्ट, लॉट ऑफ हर्ट. तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, बच्चा जो है कहीं भी लाइन डाल सकते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे डाल सकता है, वो यहाँ पे डाल सकता है, राइट? तो जितना ज्यादा स्माइली फेस से करीब होगा उतना कम दर्द हो रहा होगा, जितना ज्यादा रोने वाले स्माइली फेस के साथ हो रहा होगा उतना उसको ज्यादा दर्द हो रहा होगा, राइट? एंड व्हाट्स द वर्स्ट पेन दे हैड इन दिस वीक. सेम फिनोमेना, सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे किस लाइन के ऊपर कहीं भी लाइन डाल सकते हैं. आइडियली यू वॉन्ट द लाइन टू बी एज क्लोज टू द स्माइली फेस. Alright, now at the end of the day, the kid is gonna color this diagram. Acha, it's a bit gonna be different than Muggle Paint Questioner, kyunki bachcha jo hai yahan pe char color istemal karega. Ek color will represent no hurt, one color will represent mild hurt, one color will represent moderate, and another color will represent severe hurt. To jahan pe dard nahi ho raha, for example, yellow is the color that indicates no pain. To jahan pe dard nahi ho raha, wo sab ko yellow kar dega. जहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है वहाँ पे लेट्स सपोज रेड कर देगा, जहाँ पे उससे ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको पर्पल कर देगा, जहाँ पे खतरनाक दर्द है वो ब्लैक कर देगा, राइट? सो दिस विल टेल यू कि किस जगह में कहाँ कहाँ पेन किस तरीके से हो रहा है. किड्स एंजॉय इट, क्योंकि कलरिंग करना बच्चों को पसंद होता है, राइट? सो दिस इज डिज़ाइन फॉर किड्स. बच्चे अमूमन तौर पर स्पेसिफाई नहीं कर पाते दर्द कहाँ हो रहा है, क्योंकि बच्चे डोंट नो द बॉडी पार्ट्स येट. तो बच्चे को इसके थ्रू हेल्प मिल जाएगी टू specify the pain, right? Ke ho sakta hai bachche are not used to naming body parts us waqt tak. See it. So this is number one. This can top three item is number two. Number three is the smiley scale, smiley face. Number four is the coloring. Theek hai. So this is what you have to remember. इसके अंदर क्या कहते हैं, स्माइली एंड जो सैड फेसेस हैं, दीज आर विजुअल एनालॉग स्केल्स, दीज आर नोन एज विजुअल एनालॉग स्केल, ठीक है ना, विच मेजर्स योर पेन. उसके बाद दे हैव अ बॉडी जहां पे इसको कलर करना होगा, कलर इन चार चीजों के ऊपर करना होता है. देन दे हैव टू चूज द पेन फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड टॉप थ्री पेन को यहाँ पे लिखना होगा. सो दैट्स इट. इसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा ज्यादा आ रहा होगा, क्वांटिटेटिव कम आ रहा होगा, राइट? सो ये है इसका मसला. इट्स एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन, राइट? किड्स हु एक्सपीरियंस सेक्सुअल ट्रॉमा, जिनका सेक्सुअल अब्यूज हो चुका होता है, राइट? उनको साइकोजेनिक पेन हो रहा होता है, एज इन के फॉर एग्जांपल देयर वाज अ किड हु सेक्सुअली बीन अब्यूज्ड एंड 5 साल तक उसको दर्द हो रहा, पता नहीं चला, मेडिकल रिपोर्ट कर दिया, सब क्लियर आया, बच्चों को समझ में आया दर्द क्यों हो रहा है. तो होगा क्या कि बच्चों को ना अगर तुम खेल में इंक्लूड करके थेरेपी करते हो, फॉर एग्जांपल देयर इज दिस वन टेक्निक ऑफ प्ले थेरेपी, जहाँ पे आप जानवर रखते हो लाइक जू एनिमल्स, एंड बच्चे से पूछते हो तुम कौन हो, मम्मी कौन है, बाप कौन है, एंड रीजन पूछते हो क्यों है, कुछ ना कुछ ऐसे सीन होता है कि कई बार बच्चा और आंसर देता है. फॉर एग्जाम्पल द एंटायर फैमिली इज क्या कहते हैं, बकरे, शेर वगैरह. एक रिलेटिव आएगा उसको उसको कुत्ता बना दिया, ये कुत्ता क्यों बनाया हुआ तुमने, ठीक है ना, कोई ना कोई वजह होगी. सो टर्न्स आउट दिस पर्सन, ठीक है ना, इज अब्यूसिव टुवर्ड्स अ चाइल्ड, ठीक है ना, एंड वो किस तरह पता चला, बाय आस्किंग द किड व्हाई डिड यू लेबल हिम एज अ डॉग, ठीक है. अब बच्चे से अगर तुम खेल के इस सिनेरियो के सेपरेटली पूछते हैं कि हु बॉदर्स यू एट होम, वो बच्चा नहीं बताता, लेकिन प्ले थेरेपी के अंदर थोड़ा बहुत निकल जाता है. सेम थिंग इफ अ
इफ चाइल्ड हैज सेक्सुअल ट्रॉमा यू कैन यूज दिस चार्ट टू फाइंड आउट कि इनको सेक्सुअल ट्रॉमा किस जगह पे, राइट, चांसेस आर जहाँ पे इनको सेक्सुअल ट्रॉमा होगा वहाँ पे सबसे ज्यादा हर्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। एंड वो मुंह से नहीं बताते हैं, वो अनकॉन्शियसली उनके दिमाग से निकल जाता है जब वो कलरिंग कर रहे होंगे, क्योंकि कलरिंग करते वक्त देयर फोकस ऑन कलरिंग एंड नॉट द थेरेपी, तो समथिंग स्लिप आउट ऑफ देयर माउथ या समथिंग स्लिप्स आउट ऑफ देयर माइंड एंड वो यहाँ पे सामने आता है। सो दीज टेक्निक्स आर वेरी वेरी गुड टू इनडायरेक्टली फाइंड आउट के बच्चे के साथ अब्यूज वगैरह हुआ है तो किस तरीके से हुआ, कहाँ पे हुआ। इट्स होलिस्टिक इन द सेंस के मैंने बता दिया कि सब लोकेशन, फीलिंग्स, राइट, इमोशंस कौन से हैं, सेंसरी एस्पेक्ट पेन कौन से, सब इंक्लूड करता है। इस गन भी अदर एट द एंड ऑफ द डे इस गन भी सेल्फ रिपोर्ट तो वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ओ या सॉरी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द वॉन्ग बेकर स्केल। वॉन्ग बेकर स्केल इज दिस वन, यही है बस, शक्ल दिखाएंगे बच्चों को अंदर गन आज के भाई दर्द का भी कितना है, पहले कितना था, ठीक है। दिस इज गन बी अ सेल्फ रिपोर्ट, इट्स वेरी वेरी इजी, क्योंकि बच्चों को अगर नंबर समझ में नहीं आते देर गन लुक एट द फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड क्योंकि बच्चे जो हैं फेशियल एक्सप्रेशंस पहले सीखते हैं नंबर बाद में सीखते हैं, सो यंगर किड्स कैन हेल्प यू टेल देयर पेन यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, दैट्स व्हाई इट्स यूजफुल एजेस 3 एंड अबव, ठीक है। सो अगेन सेल्फ रिपोर्ट, इसके भी कोई ना कोई वैलिडिटी में मसला तो होगा। वन वीकनेसेस ऑफ यूजिंग पेन मेजर फॉर चिल्ड्रन क्या हो सकता है? One weakness is that you know what the kids may not take the pain measure seriously. या वो बीच में बोर हो सकते हैं, they make छोड़ देंगे incomplete, या उनको pain measure शायद समझ में नहीं आएगा तो उनके answers में मसला आएंगे। So there's a lot of issues with understanding, there's a lot of issues with boredom, there's a lot of issues with taking it seriously. So there's a debate के भाई बच्चों के लिए pain measure अलग करने की जरूरत नहीं है, आप adults का ही बच्चों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। Do you agree? Do you disagree? अग्रीमेंट के हिसाब से यू कैन से कि लार्जली यस, क्योंकि द एरियाज वी चेक फॉर पेन इज लार्जली सिमिलर टू एन अडल्ट। वो हो सकता है कि अलर्ट का वर्जन बच्चे बोरिंग समझे, इनकम्प्लीट करें, हो सकता है बच्चों का अलर्ट का वर्जन बच्चों को समझ में आए तो इनवैलिड आंसर दें। हो सकता है कि यू नो व्हाट, यू कैन यूज द अडल्ट वर्जन बट हैव द क्या कहते हैं किड्स एंड पेरेंट्स सॉल्व इट टुगेदर ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। दिस में सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर अ नीड टू कंडक्ट बच्चों का क्वेश्चनर अलग से हो सकता है। विद एन अडल्ट द पर्सन कैन सॉल्व द अडल्ट क्वेश्चनर, ये क्या है? या दिस इज द इवैल्यूएशन फॉर द वॉन्ग बेकर स्केल, इट्स एप्लीकेबल किड्स हु कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स। ये ऑटिज्म वाले बच्चों के इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि उनको इमोशन समझ में नहीं आते, इफ यू रिमेंबर व्हाट ऑटिज्म इज, ठीक है ना। गार्डन डिड रिसर्च एंड फाउंड आउट के भाई this ye wala warm baker scale, right, this is very very good kyunki is has an excellent correlation with older children, right? So basically kya kehte hain, when you ask them through some other methods, right, and when you compare their answer on the warm baker scale, turns out that the answer, the rating of the pain is going to be same. So ho sakta hai ki warm baker scale is valid kyunki jo bachcha dusre questionnaire mein bolta hai wo is questionnaire ke andar bolta hai. So warm baker scale gives us the same answer. Is it reductionist? Yes, only considers the emotion, ignores everything else. So this is gonna be it for now, I guess, in today's class. If you want to ask something, you can ask something, otherwise we have completed the majors of pain.